सीमांत विधानसभा खटीमा के चक्रकूट क्षेत्र में लाखों की लागत से बन रही सड़क में घटिया निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीण घटिया निर्माण को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। उधम सिंह नगर जनपद की खटीमा विधानसभा के चक्रपुर क्षेत्र में लाखों की लागत से लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क ठेकेदार पर सड़क निर्माण के दौरान जमकर मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। लगभग 90 लाख की लागत से खटीमा के चक्रपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से पटिया गाँव तक लगभग 1.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण लोक निर्माण विभाग के द्वारा की जा रही है, जिसके घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय लोग मुखर हो चले हैं। ये सड़क राज्य निर्माण योजना के अंतर्गत बन रही है। 1.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है और लगभग 90 लाख रुपए की लागत से सड़क बन रही है, जो अगस्त 2017 में पास हुई है शासन से। और इसकी आप अगर आप गुणवत्ता देखें तो ये अभी कल इसमें एक ट्रैक्टर चला और ये पूरी सड़क उधड़ गई है पूरी, और इसके अंदर दोनों तरफ मिट्टी भी नहीं डाली जा रही दोनों तरफ, और बहुत ही घटिया निर्माण हो रहा है। देखिए, अभी तो क्योंकि ये इलेक्शन का टाइम था, सभी बिजी थे, अब इलेक्शन हो चुके हैं तो मैं इसका निरीक्षण करूंगा, और यदि कोई अनियमितता की यदि कोई कमी होगी तो ठेकेदार से इसको तुरंत ठीक करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण की ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिलने की बात कहकर उसे फौरन रुकवाने की बात कह रहे हैं। साथ ही निर्माण संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन और पत्र के माध्यम से उस सड़क निर्माण की जांच और गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण करवाए जाने के निर्देश जारी करने की बात कह रहे हैं। संज्ञान में आया है कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने उस पर शिकायत की, मैंने उनको तत्काल कहा है कि इस पर काम रोक दीजिए, और रोकने के बाद जो संबंधित विभाग के हमारे अधिशासी अभियंता, मैं उनको पत्र के माध्यम से भी और मौखिक रूप से भी मैंने उनको अवगत कराया है कि जल्द से जल्द उस सड़क का जो घटिया निर्माण हो रहा है उसको रुकवाया जाए, और जो गुणवत्तापूर्वक पूर्ण जो निर्माण होता है उस निर्माण को तुरंत करवाया जाए, जिससे कि जो है किसी प्रकार से भी जो सड़क जो बन रही है वो सड़क आने वाले कई वर्षों तक टिकाऊ रहे। संवाद 365 के लिए उधम सिंह नगर से दीपक चंद्रा की रिपोर्ट।